गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 27 अक्टूबर। मैं आ गया हूँ जिम के लिए। आज संडे को जिम खुलता है 6 बजे, तो बस अभी 6 बजे में 10 मिनट हैं, तो बस जिम ओपन होने का वेट करते हैं। पीछे देखो मंदिर, बातचीत चल रही है, भजन कीर्तन की तैयारी होने वाली है। आज जाना है मुझे अभी मनमोहन के घर, और आज है मेरी बर्थडे की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी उनको दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। तो चलो चलते हैं जिम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लो, और अभी जिम ओपन होने का वेट करते हैं, क्योंकि कल खाए थे रुचि के घर पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं फ्राइड फूड, वो तो उसने मंगाया था मोमोज वगैरह, फिर वही है ना, ठीक है थोड़ा भी वो ज़्यादा होता था, बट अच्छा लगता है रात को ना खाते ना। वाओ, हाँ ये भगवान जी है आगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपके लिए सब पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा हूँ, मंदिर के दर्शन कर लो भैया। ये लीजिए, ये पंडित जी का जिम है, वो बोलते हैं जैसे मेरा जिम ओपन हो गया। हो गई आरती। तो यहाँ भी चल रही है व्लॉगिंग, वो देखो वो भी कैमरा वो लेके जा रहे थे, सामने जा रहे हैं, वो देखो व्लॉगिंग देख रहे हो आप। सभी को व्लॉगिंग, पंडित जी का मंदिर और जिम तो खुल गया, हमारा नहीं खुला अभी तक। अच्छा हाँ जी हाँ, हमारा वैसे देख सही कह रहे हो, पंडित जी कह रहे हो हमारा जिम जो है। अरे वाह, हमारे पे भी अमृत वर्षा हो गई। अरे वाह, चलो भैया वाह, हम पे भी पंडित जी ने वर्षा कर दी। सही है, तो पंडित जी का तो जिम खुल गया है जैसे कि वो बोलते हैं, और ये हमारा जिम अभी तक ओपन नहीं हुआ। ये तो हमारे जिम में नहा के आते हैं, आपके जिम में नहा के भी आते हैं। कार्तिक मास है आज, अच्छा तुलसी, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थाश्रम सब आश्रम में उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती है और सब जीव माता का आश्रय पाता। संडे तो 6 बजे खुलता है ना। अच्छा आप कह रहे जी, अच्छा संडे को तो 6 बजे खुलता है। क्या ले जाएगा चोर जिम में? तो है कि वो मतलब डबल्स वगैरह ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं, मेहनत नहीं कर रहा। हाँ क्या कह रहे हो, एक्सपेंसिव नहीं है ना? हाँ मतलब जैसे अभी स्मैकिया वगैरह वो सब होते हैं उनके लिए, तो ये भी बहुत चीज़ हो जाती है ना, वो चीज़ है। देखो बाकी कपड़े की दुकान हो, भैंस हो गया माल, इसकी दुकान हो गया माल, हाँ थोड़ा सेफ साइड हो जाता है। हाँ कह सकते हो, कितने ले जाएगा? कितने 20 किलो का डंबल कितने का आता है? 20 किलो का डंपल मेरे, एक टाइम का उसका खाना तो हो जाएगा ना, मतलब जैसे ये जो होते हैं क्या कहते हैं, हाँ जी क्या कह रहे हो?
आ गए जिम खोलने वाले सर। वो पंडित जी बोलते हैं मेरा जिम खुल जाता जल्दी। अच्छा संडे को ये ऐसे ही करते हैं। 6 बज तो चुके हैं, अब बजेंगे। आप ये आए 6 बजे, देखो 6 आज तो फिर भी 6 बजे आ गया है, नहीं तो 6:20 से पहले खोलता ही नहीं। मैं तो भूल गया संडे, मैं तो अपना मैं तो रात लेट हो गया मैं। हाँ मैं खड़ा हुआ था, कहते जिम नहीं खुला, मैंने कहा नहीं बोले मैं लेट हो गया हूँ, मैं 5:30 आ जाता हूँ मैं। तो आ गए हैं फ्रेंड्स जिम। वाओ चलो भैया करते हैं, कल जो खाया है मोमोज नूडल्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा कार्डियो करने के लिए, अभी 1 घंटा तो मैंने कर लिया वेट करते। तो मैं ये बता रहा था कि मैं जिम क्यों करता हूँ, मैं मतलब बेसिकली ये बताना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे ठीक है अभी जितना है बस इतना चाहिए, जो ज्यादा कुछ खास बॉडी बॉडी तो देखो बनने वाली है नहीं है, तो मुझे तो ये है कि मैं डिसेंट जैसे लग जाऊं, कपड़े आ जाए बस वो काफी है, हर किसी का एक गोल नहीं होता है। तो बस ठीक है चलो ठीक अब करते हैं अपना जिम और देते हैं आपसे बात। तो फ्रेंड्स निकल आया हूँ मैं जिम से और चलते हैं हम घर की ओर। फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं जिम से वापस घर, तो अपना करते हैं ब्रेकफास्ट और बस यही था थोड़ा सा अपडेट। इसके बाद क्या करूँगा भाई, अपना ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट में मतलब वही है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ब्रेकफास्ट में अपना यही है फ्रूट वगैरह होते हैं फ्रूट्स, और उसके बाद क्या अपना फिर नहाएंगे और फिर नाप ले लेंगे, फिर उसके बाद जाना है मुझे मनमोहन के घर जो मेरा फ्रेंड है HDB वाला, और उसके घर दिवाली देने जाना है। तो बस ठीक है फिर जाएंगे और आएंगे फटाफट, उसके बाद फिर आके फिर अपना वीडियो स्टूडियो एडिट करने और उसके बाद निकल जाएंगे फिर संदीप को लेने के लिए। और बाकी बस यही था, मैं यही बता रहा था जिम विम का। तो मैं ज़्यादा अभी आजकल जिम होता भी नहीं है, 1 घंटा या 15 मिनट ऊपर से और हो जाते हैं, ज़्यादा करता भी नहीं हूँ क्योंकि एक तो ऑफिस का है, प्लस क्या है अभी जैसे मुझे स्लिप डिस्क हुआ था तो मैं नहीं चाहता दोबारा ऐसे कुछ हो, देखो होने को कभी भी कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो अभी वो ये ना भी लाइफ में अकेले हैं तो फिर सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए रिस्क कम लेना चाहिए। और बस ठीक है मुझे बस यही होता है कि बस ठीक है जितना है उतना सही है, और कपड़े हारे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो बस यही कारण है मेरा जिम करने का, मैं क्यों करता हूँ जिम। तो कई लोग सोचते हैं इतना जिम जाता हूँ कोई बॉडी नहीं बनती, ज़रूरी नहीं है हर कोई जिम बॉडी बनाने के लिए जाता है, सबका अपना अपना वो होता है गोल होता है। तो मैंने भी जब जिम ज्वाइन किया था तो मेरा यही था कि मुझे बस अपना फैट कम करना है। अभी भी देखो है, अभी आप ऑफिस में होते हो वहाँ पे बैठे रहते हो तो आपके ऐसे टायर से बन जाते हैं, तो अब जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो ज़्यादा वो ध्यान दे पाते हैं तो अच्छे से वो कर पाते हैं, ठीक है। अब जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है ठीक है वो थोड़ा सा डाइट में ज़्यादा ध्यान रख लेते हैं, और तो मतलब ऑफिस जाने वाले भी कर लेते हैं जिनका मन होता है कुछ करने का तो वो कर लेते हैं, ऑफिस में भी डाइट का ध्यान रख लेते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। और ये मैंने काफ़ी लोगों से भी मतलब पूछा भी है कि मतलब आप कैसी डाइट मेंटेन कर लेते हो क्या, तो उनका भी यही कहते हैं कोशिश करते हैं लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं मतलब जो जाते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, बट ये है कि ट्राई कर सकते हैं वो चीज़ है। वर्क फ्रॉम होम से मेरा मतलब ये है कि यही नहीं है कि बहुत घर पर जिम कर रहे हैं, डाइट से मेरा मतलब है। अब ऑफिस में होता फिर थोड़ा सा खाना पीना भी, ऑल तो मैं फिर भी ध्यान रखता हूँ कि ना खाऊँ। अब जैसे भी कल रुच के घर गया था तो वहाँ पे वो उसने मैंने उसको मना किया था वो मत सब मत करियो, अब वो ही है ना, अब वो ले आई थी फिर मैंने थोड़ा सा तो खा लिया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था ज़्यादा नहीं खाया था, बट स्टिल वो थोड़ा भी नुकसान करता है। तो बस यही है और मिलते हैं फिर आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और यही छोटा सा मुझे अपडेट देना था आज का, और आपसे मिलते सीधा मनमोहन के घर।